दोस्तों बैंगन का खेती एक ऐसा खेती होता है जो कि सबसे ज़्यादा इल्लियों का प्रकोप बैंगन की फसल पर ही होता है और किसान भाई लगातार अलग अलग दवा महंगा महंगा दवा छिड़काव करते रहते हैं लेकिन इस कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं बैंगन का इल्लियों को। बैंगन में सबसे ज़्यादा इल्ली तना छेदक और फल छेदक का प्रकोप होता है और इसको कंट्रोल करना मुश्किल क्यों होता है और इसको कैसे आप लोग कंट्रोल करेंगे वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। बट उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बैंगन में तना छेदक और फल छेदक इल्ली क्यों कंट्रोल नहीं हो पाता है। दोस्तों देखिए बैंगन की फसल में अगर आप लोगों को तना छेदक और फल छेदक इल्लियों को कंट्रोल करना है तो सिंपली हम लोग अगर दवा को छिड़काव कर देंगे तो वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप लोगों को बहुत सारे काम पहले करना पड़ेगा तभी ये कंट्रोल हो पाएगा। तो क्या क्या काम करना पड़ेगा पहले हम लोग वो जान लेते हैं। सबसे पहला काम तो आप लोगों को ये करना पड़ेगा जहाँ पर आप लोगों का बैंगन का फसल लगा हुआ है उसके आसपास पूरा एकदम साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद ही आप लोगों को दवा को छिड़काव करना है। उसके अलावा दूसरा काम आप लोगों को ये करना है कि जब आप लोग बैंगन का फसल पर स्प्रे ले रहे हैं उससे पहले आप लोगों को मिट्टी को नमी रखना चाहिए। हल्का सा मिट्टी अगर नमी होता है तो बैंगन के पौधे में तुरंत वो दवा फैल जाता है जिस कारण में तुरंत वो काम करता है। उसके अलावा तीसरा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शाम को समय ही अगर आप लोग दवा को छिड़काव करेंगे तो आसानी तरीके से काम करेगा दवा। और उसके अलावा दोस्तों और एक काम करना है जो कि जैसे कि अगर आप लोग स्प्रे करने जा रहे हैं तो जो भी दवा आप लोग ले रहे हैं बैंगन का दवा उसके साथ किसी और भी दूसरे पीजीआर या फिर फंगिसाइड को मतलब अलग अलग दवा को ज़्यादातर नहीं मिलाना चाहिए। सिंगली आप लोगों का जो दवा होता है बैंगन का इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए उसी को आप लोगों को स्प्रे करना है। अगर आप लोग स्टिकर मिलाना चाहते हैं तो उसको मिला सकते हैं लेकिन ज़्यादा फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड को अगर आप लोग मिलाते हैं तो फिर आप लोगों का काम नहीं कर पाएगा क्योंकि बैंगन का इल्ली बहुत ही खतरनाक होता है। और उसके अलावा और एक चीज़ ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि अगर हम लोग एक बार दवा को छिड़काव कर दिया तो वो कंट्रोल हो जाएगा। आप लोग बैंगन के फसल में 7 से 10 दिन अंतराल पर आप लोगों को घुमा फिरा के अलग अलग दवा को छिड़काव करते रहना चाहिए तभी आप लोगों का बैंगन के फसल पर इल्लियों का प्रकोप नहीं होगा। तो क्या क्या दवा को छिड़काव करेंगे वो हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए बैंगन के फसल में सिंपली जो दवा होता है ज़्यादातर प्रोपेनोफॉस क्विनोफॉस ये सब दवा काम नहीं करता है। इसके लिए कुछ स्पेशल दवा है जिसको अगर आप लोग छिड़काव करेंगे तो वो कंट्रोल हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहला दवा रखे हैं हम FMC कंपनी का कोर प्राइमा नाम पर एक दवा आती है और FMC का कोर प्राइमा में आप लोगों को क्लोरएंट्रानिलीप्रोल जो कि 35% WDG फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। WDG फॉर्मुलेशन के मतलब वेटेबल डिस्पर्सेबल ग्रेन्यूल्स होता है जो कि आप लोगों को पानी में तुरंत ही घुल जाता है। तो ये दवा आप लोगों को स्प्रे करना है बैंगन के फसल में। उसके अलावा दूसरा जो दवा बता रहे हैं वो होता है बायर कंपनी का भाइगो जिसमें आप लोगों को टेट्रानिलीप्रोल का कॉम्बिनेशन मिलता है और इसको भी अगर आप लोग 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देते हैं तो बैंगन की फसल में आप लोगों को तना छेदक और फल छेदक इल्लियों को कंट्रोल करता है। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा जब आप लोग टेट्रानिलीप्रोल यानी कि भाइगो को आप लोग स्प्रे करने जा रहे हैं उसके साथ और एक दवा का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए तो वो होता है आप लोगों का बायर कंपनी का मोवेंटो एनर्जी। अगर आप लोगों को मोवेंटो एनर्जी नहीं मिल रहा है तो मोवेंटो ओडी को भी ले सकते हैं जिसको अगर आप लोग 20 ml ले रहे हैं और टेट्रानिलीप्रोल यानी कि भाइगो को 10 ml ले रहा है और दोनों को मिक्स करके अगर आप लोग स्प्रे कर देते हैं तो वो आसानी तरीके से कंट्रोल हो जाता है तना छेदक और फल छेदक। और उसके अलावा दोस्तों जो तीसरा दवा बता रहे हैं वो होता है स्पाइनोट्रम 11.7% SC फॉर्मुलेशन में मिलता है जो कि बाज़ार में आप लोगों को डेलीगेट नाम पे मिलता है, समिट नाम पे मिलता है या फिर लार्गो नाम पे भी मिल जाता है, किसी भी एक अच्छा ब्रांड का ले सकते हैं और 15 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके अगर आप लोग छिड़काव कर देते हैं तो आसानी तरीके से वो कंट्रोल हो जाता है बैंगन के फसल में तना छेदक और फल छेदक इल्ली के लिए। और उसके अलावा दोस्तों चौथा जो दवा आप लोगों को बता रहे हैं वो होता है PI इंडस्ट्रीज का ब्रोफेरिया नाम पे एक मिलता है जो कि उसमें आप लोगों को ब्रोफेनिलाइड 20% SC फॉर्मुलेशन में मिलता है, उसको भी आप लोग ले सकते हैं 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों को शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों और एक दवा बता रहे हैं जो कि बैंगन का खेती जो भी किसान भाई करते हैं 90% किसान भाई इस दवा को अपने बैंगन के फसल में प्रयोग करते रहते हैं। तो वो जो दवा बता रहे हैं आप लोगों को तो पता चल ही गया कि कौन सी दवा है जो कि सुमिटोमो कंपनी का सुमिप्रेम नाम पर मिल जाएगा और इसको आप लोगों को 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। उसके साथ अगर आप लोग एसीटामा पीड जो आता है
बाज़ार में एक का नाम पे मिलता है या फिर पाउंड नाम पे मिलता है, किसी भी अच्छा कंपनी का ले सकते हैं। सुमिप्रिंत और एक्का को अगर आप लोग दोनों को मिक्स करके छिड़काव कर देते हैं, लेकिन 25 ml ही लेना है, ये भी ध्यान रखना है। और इसको अगर आप लोग लगातार 3-4 बार प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को नुकसान भी देखने के लिए मिल सकता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए सुमिप्रिंत और एसीटामाप्रिड को आप लोगों को 2 ही बार स्प्रे करना है 8 से 10 दिन अंतराल पर। सुमिप्रिंत में आप लोगों को पायरीफॉक्सीपेन 5% और उसके साथ साथ फेनप्रोपेथ्रिन 15% का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि किसी भी कंपनी के पास ये नहीं है और ये सिर्फ सुमिटोमो कंपनी के पास ही अवेलेबल है। तो इस दवा को भी छिड़काव कर सकते हैं और इसमें और एक फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही सस्ता आता है मार्केट में, और इसीलिए दोस्तों इसको अगर आप लोग छिड़काव करते हैं तो इसमें भी शानदार रिजल्ट देता है। तो ये जो हमने 5 दवा आप लोगों को बताया है, इस 5 दवा को अगर आप लोग घुमा फिरा के छिड़काव करते रहेंगे तो आप लोगों का बैंगन के फसल में एक भी इल्लियों का प्रकोप नहीं हो पाएगा, चाहे तना छेदक हो चाहे फल छेदक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग जरूर से कमेंट कर सकते हैं। और अगर हमारे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।